हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको बताने वाली हूँ गार्नियर विटामिन सी सीरम के बारे में। मैंने इसको यूज़ किया है, मुझे इसके क्या फ़ायदा मिले हैं और ये कैसा होता है, मतलब इसको लगाने से क्या कोई साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो चलिए, मैं आज आपको इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ क्योंकि मैंने इसको यूज़ करके देखा है, इसलिए मैं आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि आप इसको लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे आपको दिख ही गया होगा कि मैं ये गार्नियर का विटामिन सी सीरम ले रखा है। ये 30 ml का है और मैं आपको बता दूँ कि इसकी जो प्राइस है वो है, इसमें मैं आपको बता देती हूँ, इसका प्राइस है 200। ये आपको डिस्काउंट पे भी मिल जाएगा, जहाँ भी, मतलब 250 का भी आता है और इससे अधिक का भी आता है। इसकी प्राइस जैसा आप लेंगे वैसा आपको मिल जाएगा। ये मेरा है 250 का और ये 200 का भी आपको मिल जाएगा अगर डिस्काउंट पे होगा तो। अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसका कुछ वाटर कुछ इस तरीके से आता है, ये आप देख ही रहे होंगे। ये इसका, ये काफ़ी अच्छा वाटर है। मतलब इसको लगाना कैसे होता है, अभी मैंने कुछ भी नहीं लगा रखा है क्योंकि मैं अभी नहा कर आई हूँ, तो मैं सोचा कि आप लोगों को भी इसका रिव्यू कर दूँ, बता दूँ इसको कि कैसा है। क्योंकि मैं इसको लगा के भी आपको बताने वाली हूँ कि चेहरे पे किस तरीके का शाइन, मतलब किस तरीके का लाइटनेस, मतलब चेहरे पे एकदम चमक, इसको लगाने के बाद जो अलग से चमक आता है वो आपको दिखाना चाहती हूँ। तो देखिए, अब आप मेरा आवाज़ थोड़ा अलग सा आपको लग रहा होगा क्योंकि मुझे सर्दी हो गया है, ठीक है। ये देखिए, इसमें ये जो ड्रॉपर है इसको आपको अपने चेहरे पर ड्रॉप करके लगाना है। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे, तो इसमें मैंने कम लिया था, तो 3-4 ड्रॉप इसको मैंने अपने चेहरे पे लगा लेना है। इस तरीके से इसको लगाना है, इसको आपको इसको अपने फिंगर की हेल्प से लगाना है, मतलब चेहरे पे मसाज नहीं करना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखा देती हूँ, देखिए आपको खुद ही इसमें दिख जाएगा कि इसमें चमक काफ़ी अच्छी है। तो ये प्रोडक्ट आपको यूज़ करना चाहिए अगर आपके चेहरे पे रिंकल्स या पिंपल्स के दाग धब्बे हैं, तो ये काम करेगा उसमें कि नहीं करेगा, तो वो मैं आपको आज सारा क्लियर कर दूंगी। मैं अगर अपनी बात करूं, अब आप देख ही रहे होंगे कि देखिए चेहरे पे एकदम लाइटली ग्लो आया है और इसको तुरंत लगाने के बाद ही आपको इसका थोड़ा सा अच्छा असर, मतलब थोड़ा सा मन में रहता है कि बहुत ही अच्छा ये प्रोडक्ट है। तो ऐसा ही कुछ मुझे भी लगा कि ये, वैसे मैं इसकी बात करूँ तो ये बहुत ही अच्छा है और इसका रिजल्ट, इससे मुझे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, इसको देखना चाहते हैं लगाकर, तो आप ज़रूर लगा के देखिएगा। अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स हैं, पिंपल्स के दाग धब्बे बहुत ज़्यादा हैं, तो आप इसको ज़रूर लगा के देखिए, शायद ये आपके लिए बहुत अच्छा हो। और मैं आपको बता दूं कि मुझे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन था, अभी बहुत कम हुआ है लेकिन अभी भी आप देख ही रहे होंगे अभी भी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो गया था तो इससे काफ़ी कम हुआ है, बहुत तो मतलब फ़ायदा ये मुझे दिया है। मेरे चेहरे का ये पिगमेंटेशन इसी से थोड़ा बहुत लाइटली हो गया है। तो लेकिन ये अगर 3 दिन की, इस पे लिखा रहता है कि 3 दिन में असर दिखाएगा, तो 3 दिन की बात करें तो हाँ, हम लोगों को मन में बैठ जाता है कि 3 दिन में ये ठीक कर देगा, लेकिन अगर आप 3 दिन इसको यूज़ करते हैं तो आपका मन कहेगा कि हाँ फ़ायदा मिला है, मतलब अच्छा फील होगा। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि इसको 3 दिन में आपके चेहरे के ये दाग धब्बे हटा ही देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। 3 दिन नहीं, इसको ज़्यादा दिन यूज़ करिए अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। तो आपको इसको लगाना कब समय ज़्यादा अच्छा रहेगा लगाना? मैं इसको रात में लगाती थी, दिन में नहीं लगाई हूँ, दिन में और चीज़ लगाई हूँ, ताकि क्योंकि इसको धूप से बचा के रखना होता है अपना चेहरा इसको लगाने के बाद, इसलिए मैंने इसको रात में यूज़ किया, दिन में इसको यूज़ नहीं किया है। रात ही में मैंने यूज़ किया, रेगुलर यूज़ नहीं किया। शायद आप रेगुलर दिन और रात में यूज़ करें तो शायद आपको ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो मैं आपको बता दूं कि मैं इसे रात में लगाती थी, आप भी इसको रात में लगा के सोइए, ज़्यादा असर करेगा और आपके चेहरे का जो दाग धब्बे है वो कम कर देगा। और ये मतलब मुझे तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा, आप भी इसको यूज़ करके ज़रूर देखिए अगर वो आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन या दाग धब्बे की प्रॉब्लम है, तो इसको आप लगाइए।
अगर आपको इससे कोई साइड इफेक्ट होता है तो नहीं लगाइए। मैं भी यही सोच रही थी कि मुझे भी बहुत कंफ्यूजन होता था क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, तो मुझे लगता था कि कहीं कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए चेहरे पे, तो इसलिए मैं इसको डर डर के यूज़ की हूँ। तो मैं इसे रात में यूज़ की तो मुझे 2-3 दिन में ऐसा लगा कि अच्छा है, मतलब इसका कोई भी साइड इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिला है। तो वैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 3 दिन में वीडियो बनाऊंगी, लेकिन नहीं बनाया। अभी मैं उसको बता रही हूँ। तो 3 दिन में मुझे इसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है, लेकिन हाँ अच्छा फील हुआ था। तो अभी मैं आज आपको बता रही हूँ, इतने दिन बाद जब मैंने इसको यूज़ किया तो मुझे इससे फ़ायदा हुआ है। तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। और ये इसका कॉस्ट हर एक प्राइस में आता है, ऐसा नहीं है कि आपको ये कम प्राइस में मिल जाए। 100 का तो नहीं आता है, मतलब 200 रुपये से ऊपर ही ये प्रोडक्ट आता है शायद, मैंने इसको देखा था इसलिए। और अगर आप अमेजोन से लेना चाहते हैं तो वहाँ से भी ले सकते हैं, और जहाँ से आपका मन करे वहीं पे। ये वैसे भी आसानी से अवेलेबल है, हर जगह मिल जाता है। और हो सकता है गांव में ना मिले, क्योंकि शुरुआत में मुझे इसे लेने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी उधर जब मैं अपने घर थी। तो ये अच्छे से आपको कहीं भी शहर में तो आसानी से अवेलेबल होता है, तो आप ले सकते हैं इस प्रोडक्ट को। और विटामिन सी का सीरम ये यूज़ करके देखा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। तो आप भी इसको लगा सकते हैं अगर आपको पिंपल्स और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो। अच्छा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।